यरोमन अन्योंगाश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आप एक BTS आर्मी हैं, तो आपको ये पता ही होगा कि हमारे गोल्डन मार्क ने जोंगकुक आईयू को कितना पसंद करते हैं और कई बार इंटरव्यूज में भी बता चुके हैं कि आईयू उनकी चाइल्डहुड क्रश रही हैं। इसलिए अक्सर सोशल मीडिया पर जोंगकुक और आईयू के रिलेशनशिप को लेकर गॉसिप की जाती है। लेकिन इन सब गॉसिप के बीच हमारे गोल्डन मार्क ने JK अपनी फेवरेट आर्टिस्ट आयु का कॉन्सर्ट अटेंड करने गए, जिसके बाद से हर तरफ इसी बारे में बात हो रही है और आप में से हमारे दोस्तों के मैसेज आए इस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में आयु के कॉन्सर्ट और JK के सरप्राइज के बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बांगतन मेंबर जोंगकुक BTS ग्रुप के साथ साथ K-pop वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट हैं। वहीं अगर आयु की बात करें तो आयु भी साउथ कोरिया के मोस्ट पॉपुलर सिंगर और सॉन्ग राइटर के साथ साथ एक्ट्रेस भी हैं। तो दोस्तों, अगर आप आयु को फॉलो करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि आयु ने 2008 में अपने करियर की शुरुआत की थी, यानी उनका डेब्यू 2008 में हुआ था और अब उन्हें कोरियन इंडस्ट्री में काम करते हुए पूरे 14 इयर्स हो चुके हैं। इसलिए आयु ने अपने 14th डेब्यू एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए 2 दिन का सियोल में कॉन्सर्ट अरेंज किया, जिसके फर्स्ट डे पर TXT और ट्वाइस जैसे सुपर पॉपुलर ग्रुप भी एंजॉय करते देखे गए। वहीं कल आयु के कॉन्सर्ट के सेकेंड डे पर जोंगकुक हमेशा की ही तरह हेड टू टो ब्लैक ड्रेस में नजर आए, जहां आयु के फैंस और BTS आर्मी ने उन्हें पहचान लिया, या कहें कि JK मीडिया की नजरों से नहीं बच पाए, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर यही बात हो रही है कि JK आयु के इतने बड़े फैन हैं कि चोरी छुपे उनके कॉन्सर्ट अटेंड करते हैं। वैसे दोस्तों, यहां आपको बता दें कि लास्ट मंथ जब आयु ने J-Hope को इंटरव्यू में इनवाइट किया था, उस टाइम आयु ने J-Hope को इनवाइट करते हुए अपने इस कॉन्सर्ट के बारे में बताया था। तो हो सकता है कि JK ने इसी अपॉर्चुनिटी को गेन करते हुए आयु के कॉन्सर्ट को अटेंड करने का फैसला लिया हो। वैसे भी जब लास्ट मंथ आयु ने JK का इंटरव्यू लिया था, उस टाइम भी आर्मी यही पूछ रही थी कि JK कहाँ है और वो J-Hope के साथ इंटरव्यू में क्यों नहीं आए। वेल, आर्मी का ऐसा पूछना बनता भी है, क्योंकि आर्मी इस बात को अच्छे से जानती है कि JK आयु को अपना आइडल मानते हैं और उन्होंने अपनी मनी से सबसे पहले आयु की ही एल्बम परचेज की थी। वहीं JK की आइडल टाइप ऑफ गर्ल भी आयु ही है। इसके बाद JK का आयु के कॉन्सर्ट को अटेंड करना आर्मी के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपको JK का सरप्राइज कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड सारंगयू।